आज मैं बनाऊंगी अंडे आलू मटर की सब्जी। इसे आप अंडा करी भी बोल सकते हैं। खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है और इसे मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बनाऊंगी, जिसको कोई भी बहुत ही आसानी से बना सकता है। उसके लिए मैंने यहाँ पे उबला हुआ अंडा ले लिया है। आप अपने जरूरत के अनुसार उबला हुआ अंडा ले सकते हैं। अब एक एक करके अंडे को लेते जाएंगे और फोक की सहायता से इसे हल्का सा प्रिक कर लेंगे, क्योंकि क्या होता है कि जब हम अंडे को फ्राई करते हैं तो अंडा फटने लगता है। जब इस तरह से हल्का हल्का सा प्रिक कर लेते हैं तो अंडा फटता नहीं है और वो उड़ता नहीं है। सारे अंडे में इसी तरह से हम प्रिक कर लेंगे। सारे अंडों में हमने प्रिक कर लिया है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा नमक डाल लेंगे और थोड़ी सी हल्दी डाल लेंगे और इसे इस तरह से लगा देंगे। इधर हमने एक कढ़ाई में 3 बड़े चम्मच तेल को गर्म होने के लिए रख लिया था। तेल गर्म हो चुका है। गैस के फ्लेम को मीडियम कर लेंगे और एक एक करके अंडे को कढ़ाई में डालते जाएंगे। एक बार में आसानी से जितने भी अंडे आ पाएंगे उतना डाल लेंगे। अब इसे उलटते पलटते हुए हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। ये एक बैच अंडा हमारा ब्राउन होने तक फ्राई हो चुका है। सारे अंडे को हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं और बचे हुए अंडे को भी हम फ्राई कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा दूसरा बैच का अंडा भी फ्राई हो चुका है, इसे भी निकाल लेते हैं। और इधर जो हमने 2 आलू लिया था उसे मोटे मोटे टुकड़ों में काट लिया है और थोड़ा सा हल्दी नमक डालकर इसे भी ऑयल में फ्राई कर लेंगे। मैंने यहाँ पर कच्चे आलू का यूज किया है। आप चाहे तो उबले हुए आलू का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन कच्चे आलू का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है इस कड़ी में। इसलिए कोशिश कीजिएगा कि आप इसमें कच्चे आलू ही डालिएगा। आलू को भी हल्का सा गोल्डन और ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। आलू भी हल्का सा गोल्डन और ब्राउन फ्राई हो चुका है, इसको निकाल लेते हैं। अब इसी बचे हुए तेल में हम प्याज को फ्राई करेंगे। यहाँ पर मैंने 3 मीडियम साइज के प्याज ले लिया है, जिसको इस तरह से लंबाई में कट कर लिया है। सारी प्याज को मैं फ्राई नहीं करूंगी, बस थोड़ा सा प्याज लेना है और इस तेल में डाल देना है। लगभग आधा कटा हुआ प्याज मैंने यहाँ पर लिया है और इसको एकदम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लूंगी। ये प्याज गोल्डन और ब्राउन होने तक फ्राई हो चुका है, इसको भी निकाल लेते हैं। और अब हम बनाएंगे कड़ी। उसके लिए यहाँ पर आपको अगर तेल ज्यादा लगे तो आप इसमें से तेल निकाल भी सकते हैं, और तेल अगर कम लगे तो इसमें 1-2 चम्मच आप तेल डाल भी सकते हैं। मुझे ये ठीक लग रहा है, मैं इसमें अब तेल नहीं डालूंगी। अब इसमें डाल लेती हूँ 1/2 चम्मच जीरा, 1 तेज पत्ता और 2-3 सूखी लाल मिर्च। आप चाहें तो खड़े मसाले भी यहाँ पर डाल सकते हैं। मैं इसे बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से बना रही हूँ, इसलिए मैंने सिर्फ यहाँ पर जीरा ही डाला है। जीरा हल्का सा ब्राउन होने देंगे। जब जीरा हल्का सा ब्राउन हो जाएगा तब हम यहाँ पे ऐड करेंगे ये कटे हुए प्याज। सारे प्याज को इस पैन पे डाल लेंगे। प्याज को चलाते हुए हल्का सा सॉफ्ट करेंगे। प्याज जब हल्का सा सॉफ्ट हो जाएगा तब यहाँ पर हम ऐड करेंगे 2 चम्मच अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची का दरदरा किया हुआ पेस्ट। लहसुन अदरक और हरी मिर्च को डाल लेने के बाद यहाँ पर हमने जो हरी मटर ली है उसे भी इसी के साथ डाल लेंगे और साथ में ही इन सबको भूनेंगे, ताकि हरी मटर जो है वो भी थोड़ा सा पक जाए और हमें ग्रेवी में ज़्यादा देर इसको नहीं पकाना पड़े। थोड़ा सा नमक भी डाल लेते हैं ताकि प्याज जल्दी गल जाए और मटर भी अच्छे से भून जाए। इसको ऊपर से कवर कर लेंगे और बीच बीच में इसका ढक्कन हटाकर इस मटर को चलाते रहेंगे ताकि ये जले नहीं और अच्छे से भून भी जाए। अब सारी चीजें अच्छे से भून चुकी है। ये प्याज भी गल चुका है और मटर भी बहुत ही अच्छे तरीके से भून चुकी है। अब यहाँ पे हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो मसालों मैं यहाँ पर ले रही हूँ 3 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला और 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर। सारे मसालों को एक साथ ही इसमें डाल लेंगे और इसी के साथ डालेंगे 2 मीडियम साइज के टमाटर, जिसकी मैंने प्यूरी बना ली है। सारी चीजों को एक साथ ही मिक्स करके भून लेंगे। अब इसे मिक्स करते हुए थोड़ी देर भून लेंगे। टमाटर की प्यूरी डाल लेने से ये भी साथ में अच्छे से भून जाएगी और मसाले जलेंगे भी नहीं। और थोड़ा सा पानी भी डाल लेते हैं। मैंने यहाँ पे टमाटर की प्यूरी डाली है। आप चाहे तो कटे हुए टमाटर भी इस कड़ी के लिए यूज कर सकते हैं। अब इन मसालों को चलाते हुए तब तक भूनेंगे जब तक कि मसाले से तेल ना छूटने लगे। मसाले को थोड़ी देर भून लेने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी डाल लेंगे, इसे मिक्स कर लेंगे, गैस का फ्लेम लो कर लेंगे और ऊपर से इसको कवर कर लेंगे। 15 से 20 सेकंड इसको लो फ्लेम पर ढककर ही पकाएंगे। मसाले को भूनते हुए 15 से 20 सेकंड हो चुका है। मसाले बहुत ही अच्छे से भून चुके हैं। इसके ऊपर ऑयल रिलीज होने लगा है। तब हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे फ्राई किए हुए आलू और अंडा।
दोनों चीजों को मसालों के साथ मिक्स करेंगे। दोनों चीजों को मसालों के साथ मिक्स कर लेंगे और इसमें डाल लेंगे 2 कप पानी। मैं यहाँ पे 2 कप ग्रेवी के लिए पानी डाल रही हूँ। आप अपने जरूरत के अनुसार ग्रेवी में पानी डाल सकते हैं। थिक ग्रेवी चाहिए हो तो पानी कम डालें और अगर पतली ग्रेवी चाहिए हो तो पानी ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। अब पानी ऐड कर लेने के बाद इसको मिक्स कर लेंगे और साथ में इसमें डाल लेंगे स्वाद के अनुसार नमक। अब नमक डालने के बाद फिर से इसको एक बार मिक्स कर लेते हैं। फिर से इसको ऊपर से कवर कर लेंगे। उबाल आए से हाई फ्लेम पर आने देंगे। जब इसमें उबाल आ जाए गैस का फ्लेम मीडियम कर लेंगे और 5-7 मिनट इसको मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे। अंडा आलू को पकते हुए 5-7 मिनट हो चुका है। अब आलू को एक बार चेक कर लेते हैं ये आलू अच्छे से कुक हुई या नहीं। आप देख सकते हैं ये आलू हमारी अच्छे से कुक्ड हो चुकी है। इसका मतलब हमारा अंडा आलू बनकर तैयार हो चुका है। अब इसके ऊपर ये फ्राई किया हुआ थोड़ा सा प्याज डाल लेंगे। जब इस तरह से हम फ्राई किया हुआ प्याज डालते हैं अंडा करी में तो बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। और थोड़ा सा हरा धनिया डालकर इसको मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स लीजिए ये हमारी अंडा आलू मटर की सब्जी बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार है। आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। फ्रेंड्स आपको रेसिपी अगर थोड़ी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पर यदि नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं इसी तरह की नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ।